नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। औरंगाबाद जिला के अंचल कार्यालय देव में कोरोना वायरस से बचाव हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। अंचल अधिकारी देव की तरफ से आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि सभी आम जनता एवं सभी कर्मियों को सैनिटाइजर करके ही कार्यालय में प्रवेश कराए। आरटीपीएस काउंटर पर भी आईटी मैनेजर मनीष मिश्रा को निर्देश दिया गया कि सभी लोगों को पहले सैनिटाइज करवा लें, इसके बाद ही कार्य शुरू करें। कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी जगह जगह पर चिपकाए गए हैं। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सर, अंचल कार्यालय में सभी को सैनिटाइजर लगा के अंदर प्रवेश किया जा रहा है, इसके क्या वजह है? कोरोना वायरस COVID-19 के से बचाव के लिए हम लोग पब्लिक के बीच अवेयरनेस के लिए यहाँ पर नोटिस भी टांगा गया है, और साथ ही साथ कोई भी पब्लिक, कोई भी कर्मी जो कोई भी कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं उनको पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके लिए हमारे एक कर्मी जो हैं वो गेट पे हैं, वो हमेशा ऑफिस आवर में पूरा रहते हैं, और जो कोई भी कार्यालय में प्रवेश करता है पहले उनके हाथ में सैनिटाइजर दिया जाता है, वो अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद ही एक एक करके कार्यालय में आते हैं और अपने कार्यालय में उनसे उनको जो काम है कार्यालय में वो अपना काम कराते हैं। और यही इंतज़ाम जो है हम आरटीपीएस काउंटर पे भी किए हैं। आरटीपीएस काउंटर पे भी जो लोग जा रहे हैं वो सबसे पहले सैनिटाइज होते हैं, उनको सैनिटाइज़र दिया जाता है हाथ में, तो अपना हाथ को सैनिटाइज करने के बाद ही जो है काउंटर पे जाते हैं। प्रयागराज में मटर तोड़ने के विवाद में पुरोहित अवधेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं तमंचे के बट से हमला कर पुरोहित के चाचा सिकंदर को जख्मी कर दिया गया, और थरवई थाना क्षेत्र के कोटसर गांव में वारदात से सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या आरोपित सुल्तान को भी आज गिरफ्तार कर लिए है। अवधेश की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। थरवई पुलिस ने पुरोहित अवधेश मिश्रा हत्याकांड में नामजद आरोपित तो मुकेश पासी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सुल्तान और उसका भाई बचाऊ उर्फ गुंडा भी फरार है। एसपी गंगापार एके सिंह ने बताया कि थाना अध्यक्ष भुवनेश चौबे की टीम ने मुकेश को पकड़ा है और अन्य की तलाश में दबिश जारी है, और जल्द ही उन्हें भी दबोच लिया जाएगा। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। दो दिन पहले और उसमें सुल्ताने जो नामजद अभियुक्त था उसकी आज गिरफ्तारी हुई है, और उसने जो तमंचा से गोली मारा था सीने में वो भी बरामद हुआ है। ये और इसका भाई और दो अभियुक्त, एक अभियुक्त का और नाम बताया इसने, वो भी शामिल था इसमें। दो अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी अभी गिरफ्तारी के लिए शेष है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसे आज गिरफ्तार किया गया, इसने अपना जुर्म भी स्वीकार किया। सुल्तान चित्रकूट रोड में आरटीओ चेक पोस्ट के पास स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर। जी हाँ, बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सतना रिफर कर दिया गया, और जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर पहुंची मझगवा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद जाँच शुरू कर दिया है तथा शव को PM हेतु भेजा गया है, जबकि स्कॉर्पियो में सवार चार सहित सभी घटनास्थल से नदारद हो गए हैं। आपको बता दें कि मझगवा थाना क्षेत्र के आरटीओ चेक पोस्ट के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। बाइक चालक पूरन द्विवेदी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा मृतक की पत्नी कुसुम कली गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक नौगावा का निवासी है, जो कि निजी काम से मझगवा बाजार जा रहा था। मध्य प्रदेश सतना से हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। करीबन दो घंटे पहले की बात है, 11 बजे की बात है, जानकारी मिली थी कि नौगावा के एक दंपति, पुरुष का नाम है पुराण प्रसाद द्विवेदी, पिता साहिबलाल द्विवेदी, और उनकी मिसेज थी कुसुम, ये दोनों लोग मझगवा आ रहे थे। चित्रकूट तरफ से एक स्कॉर्पियो जा रही थी, इनका आरटीओ बैरियर के पास में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुसुम द्विवेदी गंभीर रूप से घायल हुई है। उनके पति जो थे पुराण प्रसाद द्विवेदी वो मौके पर खत्म हो गए हैं। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। ये घटना पूरन प्रसाद द्विवेदी और उनकी पत्नी जो हमारे मामा और मामी जी हैं, ये ग्रीन वैली होटल है जो चेक पोस्ट के पास मझगवा, यहाँ पे स्कॉर्पियो और बाइक से जो घटना हुई है, तो स्कॉर्पियो वाला रॉन्ग साइड में आके और एक्सीडेंट किया है, ये घटना हुई है। और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है तो पूरन प्रसाद द्विवेदी जी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए हैं, और जो हमारी मामी जी हैं उनकी पत्नी, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और आगे की जानकारी अभी जो होगी तो बताएगा। घायल का नाम पूरन कुसुम कली द्विवेदी।
लगता है ये रॉन्ग साइड से कैसे दूर माने जा सकते हैं, क्योंकि जो स्कॉर्पियो है वो पूरा रॉन्ग साइड में आके और एक्सीडेंट किया हुआ है। नाम रोहित पांडे है। और जो गांव एक खेड़ा के जंगल में मिले गौवंशों के अवशेष, ग्राम प्रधानों की लापरवाही से हो रही गौवंशों की हत्या, प्रधान ने गौशाला बनाकर नहीं दिया गौवंशों को सहारा, अधिकारियों का नहीं है इस ओर ध्यान, सूचनाकर्ता के साथ ही पुलिस ने की मारपीट, विकासखंड इस्लाम नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों की लापरवाही से गायों को आवारा घुमाकर गौवंशों की हत्या होना आम बात हो गई है, जहां सरकार का आदेश है कि क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में गौशाला बनाकर गौवंशों को गौशाला में बंद कराया जाए, लेकिन गौशाला न बनाकर अधिकारियों की मिलीभगत से कागजों में दर्शाकर ग्राम प्रधान अपनी मनमानी करने पर उतारू है। उघैती करिया मई से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है बाबा आपका? मैं महात्मा गरीबनाथ। पूरा पता बताओ। गरीबनाथ खंडुआ। ये आप गौ रक्षा सेवा समिति से हैं अध्यक्ष जी? तो अब तक ये जो गाय कट रही हैं, आपने कोई जानकारी ली आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, जानकारी ली। पहले मैंने बाले बरबारे पे कंट्रोल करी थी और भूल खतौरा पर कंट्रोल करी थी, तो राम रे सिपाही को दरोगों को इनसे दूध भी फटवाया मैंने, और ये लोग नहीं मान रहे थे, तो गाय का मांस तो जा रहा है आगे आगे, तुलसी गाड़ी जा रही है पीछे पीछे जी। वहाँ से फैसला मिला, उसके बाद में काम चलता रहा, दबता रहा, शांति रही, मगर जो एक दिन खाल बिछौली रोड पर क्या पशु खाल थी वो इन्हें दबा ली, सिर भी थे वो छोड़कर भाग गए। आज जो मेरे सेवक ने सतपाल गोपालपुर निवासी इसने सूचना दी, तो इस पुलिस ने वो शेष पड़े हुए इन्हें कुछ फोटो खींचे थे कि मैं दिखाऊंगा किसी अधिकारी के लिए, ये नहीं मानना है। तो मूल ये है कि इसके साथ हाथापाई करी और इसको गाड़ी में डाल कर लाए और थाने बंद किया, ये इनका उचित काम नहीं है इसका। और वो शेष पड़े हैं कहाँ है वो? अरे पीएम का ऐसा होता है क्या जी? ये पीएम का मतलब क्या हुआ? पीएम भाई उसी ठिकाने में होता और वहाँ का जो ग्राम सभा का प्रधान है उससे पूछा जाए भाई गौशाला है कहाँ है। ये तो पुलिस की गाड़ी खड़ी है 20 मीटर दूरी से कान बियाल मारा जा रहा है और ये पुलिस के कान में जूना लग रही है, और कोई सूचना दे रहा है तो उसके लिए ऐसे अधिकारी डंडा से बात करते हैं और उसके मोबाइल छीनने की जब्त करने की कोशिश करते हैं, उसके मोबाइल के फोटो डिटी कर दिए, ये कहाँ का न्याय है? कानून चींटी से हाथी से सबको लागू है और कानून की दरगाह से कोई बाहर नहीं है। अगर ऐसा आ तक रहेगा तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ना बाबा को जीने की खुशी है और ना मरने की गम है। गौ ब्राह्मण संतों की सेवा, मैंने एक प्रण उठा रखा है कि गौ की हत्या होगी मैं रखूंगा नहीं। तो अब आप क्या कार्रवाई करा रहे हैं? मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि जहाँ पर जो ऐसा हो रहा है और ये लोग करा रहे हैं, इनके लिए यहाँ से तत्काल हटाया जाए और ऐसी जगह फेंका जाए कटरी के अंदर, जो इन्हें पता चल जाए कि हम ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं। ये थाना इनको बहुत अच्छा मिला हुआ है। इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहले भी कभी अवशेष मिले थे क्या? काफी यानी सूचना मिलती आ रही है और ये लोग दबाते जा रहे हैं और हम इनकी सज्जनता का हम कुछ हमारी बाका फायदा उठा रहे हैं। लोग ये बात मानते नहीं, ये गुमराह कर देते आदमी के लिए। कुछ हमारे दरोगा थाने के दरोगा है, कुछ पुलिस सोलह गाड़ी है, ये इनकी मिली भगत से काम हो रहा है। ये और कहते हैं बाबा दो गाड़ी दो जवान हमारे घोड़ी पे घूमते हैं, वो गौ रक्षा के लिए घूमते हैं। अरे गौ रक्षा को घूम रहे हैं तो क्या रखवाई नहीं हो रही तुम्हारी? हाईवे पे कट रहे हैं और हाईवे पे कट रहे क्यों? कोई गेर का कैसे गेर के भाग गया? और रोल होल्ड का मतलब क्या होता है? रोल होल्ड पे पुलिस ड्यूटी लगा रही है, रोल होल्ड के लिए पुलिस ड्यूटी लगा रही है, तैनात हो रही है और तब भी ये कांड हो रहे हैं। पुलिस की मिली भगत से हो रहा है ये हो रहा है, ये कांड हो रहे हैं। पुलिस यानी होल्ड रोड पे हमेशा गाड़ी गश्त लगा रही है, मतलब ये तरीका ठीक नहीं है इन लोग। क्या नाम है सर आपका? सत्यपाल। आज आप थाने आए, क्या मामला है पूरा? हम जो सुबह प्याऊ का आए तो हमने कुछ गायों के अवशेष देखे, हमने पुलिस को सूचना की, पुलिस वालों ने जाके अवशेष उठाए और कट्टा में भर के वो लेके आए और मुझे पकड़ के मतलब डाल लिया गाड़ी में और मोबाइल छीन लिया, मोबाइल में जो फोटो थे वो सारे डिलीट कर दिए और थाने में आके भी अभद्रता की, उसके बाद में अंदर बंद कर दिया, मेरे घर वालों ने आके मुझे छुड़ाया। तो आपके साथ जो मारपीट की ये क्यों की पुलिस ने? ये इसलिए की कि ये मामला दब जाए। अच्छा, मतलब अवशेष वाले मामले दबाने के लिए? दबाने के लिए। तो अब आप ये क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं इन लोगों पर कार्रवाई हो और गोकसी करने वालों पर भी कार्रवाई हो। अच्छा, जो मारपीट की उन लोगों को नाम पता है कि कौन थे क्या थे? नाम पता हल्का इंचार्ज थे, उनके साथ चार लोग और थे। अच्छा, चार लोग और थे। ये घटना है कहाँ की? प्याऊ के हाईवे, बिल्कुल जस्ट हाईवे के बराबर, जहाँ पर 100 नंबर खड़ी होती के पास थोड़ी दूरी पर। नहीं, स्थान कहाँ का है? स्थान प्याऊ ही खेड़ा है। ये खेड़ा प्याऊ का? ठीक सर, धन्यवाद।
बरेली खननु मोहल्ले के आंगनवाड़ी केंद्र पर महिलाओं को कोरोना वायरस से न घबराने एवं उनके बचाव के तरीके बताए गए। आंगनवाड़ी जीनत अली ने बताया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी के आदेश पर आज महिलाओं को कोरोना वायरस के लक्षण और उससे बचाव के उपाय बताए गए और उनको समझाया गया कि कोरोना वायरस से ना घबराएं, खुद बचे और दूसरों को भी बचाएं, भीड़ भाड़ से दूर रहे, घर से 60-65 साल से अधिक आयु के लोग घर से ना निकले। 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू में सहयोग करें। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मेरा अमृता सिंह है जी, और आज हमारा जो कोरोना वायरस के लिए मैडम ने प्रोग्राम दिया है, जीनत मैडम ने, जो आंगनवाड़ी की टीचर हैं, और कोरोना वायरस से जागरूक किया है कि कैसे हमें उससे बचाव करना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि उन्होंने 22 तारीख को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक आप सभी को घर के अंदर रहना है, आदेश का पालन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें और एक दूसरे को जागरूक करें। हमें डरना नहीं है, बट डट के सामना करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो हमारी जीनत मैडम हैं, उन्होंने आज सभी खन्नू निवासी, जितने भी खन्नू मोहल्ले के निवासी हैं, सभी को जागरूक कराया कि हाथ धो के आपको कैसे रहना है, किस तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखना है। तो आप भी ध्यान रखें, हम भी ध्यान रखें, यही नरेंद्र मोदी जी का आदेश है और पूरी जनता का आदेश है। ये जनता कर्फ्यू का आप ध्यान रखें, घर से बहुत कम बाहर निकलें, इस बात का आप सभी विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलिए, अन्यथा मत निकलिए। आप सभी का हित है इसमें, जो कि आदेश का पालन करें। धन्यवाद। जी, मेरा नाम जीनत अली, खन्नू मोहल्ले की आंगनवाड़ी हूँ। आज क्या प्रोग्राम किया गया? आज हमारा ये कोरोना वायरस के बारे में हमारी मैडम न्यूतन दीक्षित सुपरवाइज़र जो है हमारी बाल विकास परियोजना से, उन्होंने हमें आदेश दिए थे ये सब करने के लिए प्रोग्राम। तो हमने काफ़ी लोगों को बुलाकर संदेश दिया, कोरोना वायरस के बारे में बताया कि आपको कैसे अपनी सेफ्टी करना है, कैसे बचाव करना है, और घबराना नहीं है और छुपाना नहीं है। ये हमें इसके बारे में सफाई सुथराई जो भी आसपास है, हाथ धोने की प्रक्रिया सब बताया है हमने उनको, और ये हमारे सब लोग हैं, इन सबको इस बारे में ये हमारी इनसे ले लीजिए। हाँ, मेरा नाम खालदा बेगम है, मैं घेर सिंह मिट्टू मोहल्ला केंद्र। हमारी मैडम नूतन दीक्षित, उन्होंने जो हमें आदेश दिए थे कोरोना वायरस के बारे में कि साफ़ सफाई के बारे में बताइए, उसके बारे में मैंने महिलाओं को बताया और उन्हें जागरूक किया इस बारे में कि डरे ना कोरोना वायरस से। जी, इससे बस साफ सफाई का ध्यान रखें, सही समय पे इलाज करवाएं, बुखार उखार फौरन दिखाएं और उसके हाथ सही से धोना चाहिए, उसके बारे में बताया। बात करते हैं तो ज़रा करीब से नहीं, खांसते हैं तो फौरन कपड़े का इस्तेमाल करें। ये थे बीके समाचार। आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।